तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने नई घोषणा की है। जी हाँ, आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है इस वक्त निकल कर आ रहा है किसानों के लिए, काफी अच्छी अपडेट है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों का बैंकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी किसान इस कर्ज को लेकर ही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा जो है बैंक में बहुत ज्यादा कर्जा है, हमने बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो आखिरकार किस तरह से हमारा बैंक का कर्जा छूट हो पाएगा, किस तरह से हमारा बैंक का कर्जा माफ हो पाएगा, इन सभी चीजों के बारे में जो है सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी जो है फेस करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने, छत्तीसगढ़ के सभी जनताओं ने अपना पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण समर्थन जो है बीजेपी को दिया, और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 54 सीटों पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव के समय वादे किए थे, उन सभी वादों को पूरा करते हुए 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आपको एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि, एक मुश्त आपके पूरे के पूरे जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी वादे, जितने भी दावे आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को जो है पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, और डेफिनेटली आपके सभी सपने अवश्य रूप से पूरे होंगे, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी वादे हैं, जितने भी दावे आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसानों का जो है बैंकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक किसान इससे ही परेशान रहते हैं कि हम, हमारा बैंक में कर्जा है, तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा अगर आपका किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक में हो, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर आपका प्राइवेट बैंक हो, अगर आपका बैंक में जो है लोन है, 1 लाख रुपए तक का लोन है, तो वो माफ हो जाएगा, और अगर कहीं पर अगर आपका 2 लाख रुपए का कर्जा हो, या 3 लाख रुपए का, 4 लाख का, या 5 लाख का, तो वहां पर पूरा नहीं होगा, 2, 3, 4 या 5 लाख रुपए का कर्जा, वहां पर आपका 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट, जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी वादे, जितने भी दावे आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी वादों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, आप ऐसे हर एक वर्ग की सरकार है, आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काम किया जाते हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा फायदा मिल सके, आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ मिल सके, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो सभी सॉल्व हो सके, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति को बूस्टअप करने के लिए, छत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। जी हाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी घोषणा पत्र आप सभी के लिए जारी किए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो सभी मैनिफेस्टो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि आप ऐसे हर एक किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ऐसे हर एक किसान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कर्ज की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा किसान जो है परेशान रहते हैं कि हमारा बैंक में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, हमारा बैंक में बहुत ज्यादा लोन हो गया है, तो आखिरकार
हमारा बैंक का कर्जा, आखिरकार हमारा बैंक का लोन जो है किस तरह से माफ हो पाएगा, किस तरह से हमारा बैंक का कर्जा जो है छूट हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच के सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत है, आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम जो है फेस करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और किसानों का बैंकों का 1 लाख रुपये तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा भी आपको धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगा। यदि आप 1 क्विंटल धान बेचते हैं तो वहां पर आपको 3100 रुपये की राशि 3100 रुपये की राशि आपके जो है बैंक अकाउंट में सीधे जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और एक ही बार में। क्योंकि किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पहले होता था, 4 किस्तों में पैसे दिए जाते थे तो वो 4 किस्तों का पैसा आते आते 1 साल हो जाता था, लेकिन उन्हें पूरे के पूरे जो है पैसा, पूरे के पूरे राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाते थे, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते थे, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज्यादा दिक्कत में थे। तो अब आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत है, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह से परेशानी फेस करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी वादे हैं, जितने भी दावे जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी घोषणा पत्र को, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को पूरा करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा हम सभी के लिए किए जाएंगे। और निश्चित तौर पर आपके सभी सपने, निश्चित तौर पर आपके सभी ख्वाब जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से पूरे हो पाएंगे। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, हर एक वर्ग की सरकार है, और आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है। आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रहा है। जी हाँ, इस टाइम बीजेपी ने काफी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है। किसानों का जो है बैंकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है होगा। और क्योंकि कर्ज को लेकर ही छत्तीसगढ़ के हर एक किसान परेशान रहते हैं कि हमारा बैंक में कर्जा है, हमारा बैंक का कर्जा किस तरह से छूट हो पाएगा, हमारा बैंक का लोन जो है किस तरह से माफ हो पाएगा, किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को सही से कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर छत्तीसगढ़ के हर एक किसान परेशान रहते हैं। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके परेशानी वाला जो टाइम था, परेशानी वाला जो दिन था, परेशानी वाला जो समय था, वो सभी समय जो परेशानी वाला टाइम था, वो सभी परेशानी वाले टाइम दिन जो है बीत चुका है। अब आप लोगों के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं, अब आप लोगों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी मैनिफेस्टो हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वादे हैं, जितने भी दावे आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली आपके सभी सपने जो है अवश्य रूप से पूरे हो पाएंगे। और किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से परेशानी आपको फेस करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, आप ऐसे हर एक सपनों को पूरा करने के लिए, आप में से सभी के सभी ड्रीम्स को, सभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा काम किया जाता है, और आपके सभी सपने जो है अवश्य रूप से जो है पूरे हो पाएंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में।